अगर हम एलसीएम आपसे पूछ दें तो कितना बच्चा चिल्लाएगा बोलना कि सभी तरह का आते है वो तीनों है, है पंद्रह दू ना चिल्लाया कि नहीं चिल्लाया आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज वन पॉइंट टू है बोलना बंद करो आज पढ़ेंगे 1.2 इसमें सर क्या पढ़ना है 1.2 में 1.2 में कुछ नहीं पढ़ना है तो पढ़ना क्या है पढ़ना क्या है 1.2 में रुको जो हम लोग एच निकालना सीखे थे ना यहाँ भी एच ही निकालना है लेकिन जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे यूक्लिड के द्वारा एच निकालना तो यूक्लिड साहब का जो मेथड था वो केवल कथी निकालने के लिए था एच सी आज ऐसा मेथड पढ़ेंगे में सी एफ भी सीख जाएंगे और एल सी एम भी तो कल ले जो यानी पिछला क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला क्लास ऐसा मेथड सीखेंगे इसमें एस सी एफ भी आ जाएगा बेचारा और एल सी एम भी आ जाएगा रहे बोल रहे हैं ऐसे और वो वैसा जो मेथड कौन है पॉइंट टू में कौन मेथड है तो यह भी निकाल देगा यह भी निकाल देगा इस मेथड का नाम है विधि विधि द्वारा यानी अभी सिखाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम दो या दो से अधिक नंबर का क्या बोले एल और एस निकालना आज का टॉपिक समझो दिमाग में जाने दो इसको आज हम लोग सीख रहे हैं कि दो या दो से अधिक नंबर को एल और एस निकालेंगे इसके द्वारा चैप्टर समझ में आया कि 1.2 में क्या पढ़ना ये समझ में आया कैसे निकालेंगे वो तो अभी हम बताएंगे लेकिन निकालना क्या ही समझ में आया 1.2 में आपको पढ़ना है एलसीएम और एस निकालना इसका एल सी में नंबर का संख्या का एको संख्या दो संख्या की तीन संख्या दो से अधिक कितना भी हो नो प्रॉब्लम आया समझ यानी वन पॉइंट टू में हमको सीखना है अभाज्य खंड विधि से बोल क्या निकालना आएगा चलेगा चलो अब आ गए बफरी नहीं ना सर हेलो ठीक यहाँ तो कोई दिक्कत सर अब ध्यान से सुनना ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं से इंग्लिश में हम ये सीखेंगे कि सर आभावन खंड विधि के हेल्प से कैसे निकलता है एलसीएम और एच सी एफ सिखाते बोर्ड पर बने रहो एलसीएम का पिछला क्लास में मीनिंग बताए थे बोलो एलसीएम का मतलब बड़ा कि छोटा एल्सियम का मतलब बड़ा एल्सियम का मतलब इंस बकरी क्या करता है एल्सियम सर जी बड़ा होगा इंस समझना ध्यान से जब भी एल्सियम निकालना हो तो इसका रूल बता रहे हैं यही रूल इंपॉर्टेंट है अब ध्यान से नियम को सुनना रूल को समझना यह नियम जो है इंपॉर्टेंट है नियम नंबर एक, एक नंबर नियम कहता है जब आपको एलसीएम निकालना है ना ध्यान से कथी निकालना है इसमें जो है एल्सियम में सभी तरह का चाहिए तरह का जब एग्जाम्पल देंगे बिल्कुल समझ में आएगा अभी रूल लिख ले रूल लिख रहे हैं इसमें चाहिए सभी तरह का क्या बोले सभी तरह का कथी गुणनखंड खंड और यहाँ दूसरा चीज मिलेगा कि अरे क्या मिलेगा गुण खंड है ना क्या बोले सभी तरह का और बड़का चाहिए तो बड़ा पावर वाला यानी सभी तरह का गुणखंड और सबसे ज्यादा पावर वाला क्या बोले और सबसे ज्यादा पावर वाला पावर मींस घात क्या लिखे अरे पूरा पढ़ो ना सभी तरह का गुणखंड सब में से चाहिए सब में से चाहिए कथियों से चाहिए और सबसे बड़ा पावर चाहिए क्या बोले सब आइटम में से इसको चाहिए सभी तरह का चाहिए और सबसे ज्यादा पावर चाहिए तो कौन आएगा पता है कि एलसीएम आ जाए कौन आ जाएगा एल्शियम होता है बर्खा को एल्शियम क्या होता है आ जाएंगे तो समझ जाना एल्सियम क्या होता है समझो तो यही जो आएगा से क्या आ जाएगा LCM. Means अब हम तुमको बोलते हैं दो या दो से अधिक नंबर का जब एल्शियम निकालना हो उसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे सभी तरह का गुणखंड और सबसे ज्यादा पर वाला कथी तो निकल जाएगा सबको याद हुआ सभी तरह का और सबसे ज्यादा क्या निकलेगा आ गया दूसरा अब सभी तरह का नहीं चाहिए कॉमन गुणनखंड कॉमन है? कॉमन गुणनखंड सर जी कॉमन क्या होता है तो जो सब में हो तो क्या हो कॉमन गुणनखंड सबसे कम पावर वाला क्योंकि वहां है सबसे ज्यादा पावर वाला कॉमन वर्नखंड सबसे कम पावर क्या बोले सबसे कम पावर वाला अगर ऐसा कुछ करता है तो क्या निकाल के दे देगा नहीं आया फॉर्मूला है चेला इसको याद करना पड़ता है लोग लेकिन तू ऐसी याद कर लिया एलसीएम मतलब सबसे बड़ा यानी सबसे बड़का पावर लेना होगा एलसीएम निकालने के लिए और सभी तरह का जबकि एच निकालने के लिए कॉमन गुण लेना है और सबसे कम पावर वाला आया ये दो बार दिमाग में गया अब जैसी एग्जाम्पल देंगे ना पूरा क्लियर समझ जाएगा अच्छा चाहते हम क्या है आया समझ बोले से तो अभी हम देंगे एग्जाम्पल लेकिन इसको समझ गया सब बच्चा इसमें बहुत कुछ पढ़ाएंगे अभी एग्जाम्पल दे पहले क्लियर करते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं रुक जाओ मिलेगा फिर टेंशन नहीं लो ठीक है एग्जाम्पल समझाने के लिए ना रे नरेश है लीजिए पंद्रह अभी फिलहाल हम दो नंबर देते हैं स्टार्टिंग से सिखाना शुरू करते हैं बच्चा है ना पहले दो नंबर दिए बोले कि चिल्ला रहे हैं सुनो ध्यान से। कोई हला नहीं करो छ पंद्रह का है लड़का और एच सी एफ निका एकदम बने रहो वीडियो में बनल है सुनेगा सर हम क्या लिखे कि छ पंद्रह का एल और एस निकालें कैसे निकालेंगे यह नंबर हाथ से या गोड़ से नहीं पहले समझो यह नंबर आएगा उसको लिख देना दूगो नंबर है छः तो बराबर तो बराबर पंद्रह तो पंद्रह बराबर तो बराबर नहीं समझा क्या ऐसा लिख देना लिख देगा इतना तो सबको आता है उसके बाद इसका गुणनखंड को लिखना है पाप गुन खंड दू गुने तीन दू गुने तीन पंद्रह का सर जी तीन गुने पांच चाहे पांच गुने तीन बतवाए ना है पांच गुने तीन सर गुणनखंड तो कर दी लेकिन इस एलसी में सिर्फ कैसे निकलेगा सिखा रहे हैं सीखो पहला एग्जाम्पल है इसलिए सीखना बहुत जरूरी है थोड़ा देर पहले हम बोले कि जय वो नंबर आएगा उसका तुमको गुणनखंड कर देना कर दिए गुणनखंड किए पांच कर देते दस होता दस गो, हो था हो कर दिए गुणनखंड करने के बाद यदि आपको एल्शियम चाहिए एल्शियम का फॉर्मूला याद कीजिए एल्शियम का फॉर्मूला क्या लिखाए थे थोड़ा देर पहले सभी तरह का गुणनखंड क्या बोले और सबसे ज्यादा था सर जी यहाँ तब पावर है ही नहीं है तो पावर देखने की जरूरत है यहाँ कोई पावर दिखाएगा अरे यहाँ कोई पावर दिखाएगा ये अपने यादव टोला में आए हैं यहाँ कहाँ से पावर दिखाएगा एक कोई के पावर है अरे कोई के पावर है है ना रे सब बेचारा के एक पावर है ना कुछ हो मतलब एक सबका पावर साथ है पावर के झंझट खत्म नहीं समझा क्या सब समझ गया तो सबसे ज्यादा पावर वाला लेना था लेकिन यहाँ सबके पावर हुए है खत्म लेकिन एक बात आ गया सभी तरह का गुणनखंड दो है वो एल्सियम कहला जाएगा सभी तरह में कौन कौन है सर एगो दू है तो दो ले लिए लिएगो तीन है तो तीन ही है तो एक सभी तरह का एक बार ना कहता है सब आइटम में से खाना है दो तो ले लिया तो तीन ले लिया तो तीन ही है तो हो गया तो दू तो तीनों खा लिया देखो तो में तीनों आइटम आया कि ना आया दो तीन पांच एन आइटम है दो तीन पांच आया पंद्रह दूना नहीं समझा क्या सी एफ रुक जाओ छोटा छोटा नंबर सिखा रहे हैं एट सी सर जी एच सी एफ में क्या सिखाए हैं सबसे कम पावर कॉमन हो कॉमन जो दोनों में हो खोजो ऐसा कौन है जो दोनों में खोजो तीन जो है ना दुनो में है इनमें पावर दोनों के पावर उतने हैं कम बेसी पता चलेगा इनमें से कोई ले लेंगे सबसे कम पावर वो है लेकिन कॉमन खोजना है कॉमन कौन मिला तीन मिला कि दो मिला एस सी एफ हो गया तीन नहीं आया सबको आया खा कि नहीं सीखा एक क्वेश्चन देते हैं ठीक है आया समझ कि नहीं चलो एक क्वेश्चन बनाएगा लिखते हैं क्वेश्चन है कि छ और बीस का एल सी एम एंड एच सी जल्दी से बोलेगा मिटा दिए मिटाया है।, है कि स्किप कर दिए जल्दी से जल्दी कितना देखो इतना बताया है कंफ्यूज में बेचारा अरे ठीक कर देते तुरंत ठीक हो जाएगा नो टेंशन अब बनाते छोड़ दो चिला अभी बहुत रामायण पढ़ेंगे यहाँ देखो बहुत बात है मैं। अभी तो स्टार्टिंग की है आपको आ रहा है समझ तो सुनो है देखा समझ नहीं आता होगा ऐसा कोई ना कोई तो होगा जिसको अभी भी नहीं आता होगा तो नहीं आता है इसको सीखेगा एलर की सब देखो। और देखो छ और बीस का एल और एच निकालना है कितना का हम बोले वही करना है आवाज जा रही है छ और बीस का तो छ को लिख दिए बोल चला लिखेगा कि तोर नहीं लिखेगा छ को तोड़ो तोड़ने आता है आज तक कुछ तो रहा है कि नहीं तोड़ा है क्या तोड़ा रहा हो ची नंबर को तोड़ के बता चलो लड़का तेज है तू उन्हें तीन बोल दिया आ गया रुक जाओ बोलो मत बीस लड़का सब गताल है हम सिखावत है इधर देखत है अरे रुक जा कोई दस उन्हें दो बोल रहा था लोला पहले दू से लगाएगा फिर दू से लगाएगा फिर पांच से लगाएगा तो अल दू को दूला दू के स्क्वायर गुने नहीं आया आया कि नहीं आया बीस को तोरे तो आया दू के स्क्वायर गुने में अरे देख ना लड़का सो गया था बेचारा छोड़ दिए बच्चा चलो सो गया था और कॉट के सो जाओ खाली पैसा टाइम पर दे देना चलेगा उसको क्या करेंगे मारने का है हाँ आ जाओ इधर है लड़की सब लड़की कहाँ है ठीक है देखो रे बच्ची एले सीएम का मतलब क्या सिखाए हैं तुमको अभी हम वो बंद सभी तरह का कौन तरह का और सबसे तो यहाँ गो तरह का कितने तरह का आइटम है भोज में जाता है तो आइटम ना गिनता है भोज है हाँ, भोज भोज में गोई भोले एगो ये बोले आइटम एगो ये अलग आइटम एगो अलग आइटम क्या आइटम है तीन आइटम है भेज ना भेज नहीं कोई आइटम कोई है वो मतलब अलग अलग को आइटम बोलेंगे समझ है सर जी एगो दू वाला है एगो तीन वाला है एगो पांच वाला तीन आइटम जबकि एलसीएम में कहा था जो सब आइटम चाहिए सभी तरह का सभी तरह का आएगा लेकिन सबसे ज्यादा पावर जब दू लेना हो तो ई वाला दू को लेंगे कि ई वाला दू को क्यों क्यों क्योंकि तो एलसीएम में सबसे ज्यादा पावर वाला लेना होता है पहला दू तो है तू गो सबसे बड़ा पावर वाला है ना है। तो एक रा ले लिए दो के स्क्वायर चलेगा आ गुने बतिया रही है लड़की अतीन देखो सब आइटम आया कि ना आया सबसे तो ज्यादा के स्क्वायर चार चार बारह पचे एलसीएम कितना हो गया सर जी एस बताइए ना एसियम मतलब सभी तरह का नहीं कॉमन सी मतलब जो तो दुनो में हो कौन है दुनो में दू लेकिन ई ले कि ई ले क्यू सबसे कम पावर एक कर पावर दो पावर एक पहला लेंगे इसको दू के पावर एक मींस दो ए सी आ गया दो समझ आ रहे बच्चा बच्ची जल्दी से नोट कर एक क्वेश्चन देंगे नोट मत कर छोड़ दे छोड़ दे अभी बाद में उतारने का मौका देंगे एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं लिखना आराम से देखो छ बहत्तर और एक सौ बीस का छ बहत्तर एक सौ बीस का छमा बहत्तर एंड एक सौ बीस का एल सी एम एंड एस सी एफ निकाले बस तो यही क्वेश्चन सब बच्चा बना के दिखाओ अभी भी कोई नहीं सीखा तो बोलो सिखाएंगे उसको पैसा देता है तो पूछेगा ना लड़की सब खाली रट्टा मारने में तेज रट के याद कर लेगी लड़की सबसे सा साइंस उसमें नहीं का आर्ट्स उर्ट में जो तो रट उठ के याद कर लेगी कोई सू हाँ समझे वाला चीज़ नहीं समझ आता है ही नहीं रहता है तो अब हम मनाते हैं देखो रे बच्चिया देखो देखो जब बार बार सिखाते हैं कि एल सी एम एस सी एफ निकालना हो ना देख रहा है सब सर देखो को ऐसे लिख दिया एकदम लिख दिए इक्वल टू बहत्तर एक सौ बीस तीनों अरे बोलना तीनों क्या करेंगे तोड़ेंगे हमारा बोर्ड किधर है हमको अभी तक पता नहीं चला लड़की इसे कहले इधर घूरो तो रे बोले रे, को तर, 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 उधर घुड़ वोट इधर है मास्टर इधर है फिर इधर देखो आओ वो क्या करेंगे अब पूछेंगे से से पूछेंगे बहत्तर को तोड़ी है लड़की सब कितना आया है कितना ले तू ठरा हाँ कितना आया दू गुने पांच पाँच गुणे सात देखो ये लड़के भैया तोड़ रहे तो सीख लो यहाँ देखो यहाँ बहत्तर ऐसे ऐसे दू से, से। लगाई वो इसको नहीं आता सीखेगा लड़का सब चिल्लाओ मत दू से दू से अब दूसरे लगेगा तीन से फिर तीन से कैगो दू तीन गो दू के पावर तीन नहीं आया गो तीन दू गो तीन तीन के पावर दू कुकू कर रहा है कुकुर कहीं कर अब एक सौ बीस को तोड़ना है तोड़ के सिखा देते हैं पता है कहला कहला कुछ ऐसा होगा जिसको नहीं आएगा तोड़ने तो कम से कम सीख जाएगा लादे तो बोलेगा नहीं सर में मारे नहीं आता है कम से कम सीख लेगा हम जानते हैं कि बच्चा नहीं बोलता है एक सौ बीस है बोलो मत ये मत समझो कि तू एलसी में सिर्फ सीख गया बहुत कुछ है सिखाना चश्मा का व्या सीखो आराम से दो तीन पांच नहीं आया बोलता कै गो दू है दू के पावर तो पगला बोलता है कुछ एक दू तीन गो है ना दू के पावर तीन समझ रे तीन पांच है लिखा थे तीन गुने पांच नहीं आया आया समझ में नहीं आया अब जरा ना आएगा ना वो कहाँ समझेगा पता है सिर्फ चर्चा में जाना तो समझ आ जाएगा के मांगना पहला में दया मांगता है ना आदमी पहला में मांग लेना भादन खंड विधि से एल सी एफ आ जाए क्या है हाँ छोड़ो हो गया थोड़ा सा क्या निकालना चाहता है एल सी एम एल सी एम का मतलब सिखाए हैं सभी आइटम सभी तरह का और सबसे ज्यादा पावर नहीं आया सभी तो तरह का होना चाहिए और सबसे ज्यादा पावर भी होना चाहिए कौन है वो पहले आइटम चुने दे आइटम रुक है आइटम चुनो एगो दो है एगो तीन है एगो पांच है रुक दो है तीन है पांच है ये तीन आइटम ना है अरे बोलना भोज में यह तीन आइटम की व्यवस्था है

पांच बेचारा एक के गो है छोड़ दो ये है ये मेरा कहने का मतलब कि सभी तरह का ले लेना है और सबसे ज्यादा पावर लेना है देखो दू यहाँ देखो रे बचवा बचिया दू को घेरे बेचारा दो एक किस्म था सब सबसे ज्यादा पावर था दू के बाद तीन उसको ले लिए फिर तीन को देखा गया तीन भी तीनों में है तीन को ले लिए लेकिन सबसे ज्यादा पावर ले लिए बेचारा एक पांच अकेला आ गया करेगा दु के क्यू कितना होता है वो कहता है सात होता है सात होता है आठ आया आठ पचे चालीस चालीस गुणे नौ चौक छत्तीस होता है तीन सौ साठ आ गया कौन ची अब निकालना क्या है सर सी के मतलब क्या सिखाए सर बोला सब में जो कॉमन हो क्या बोले सबसे कम पावर देखिए तो कौन कौन कॉमन है सर दो कॉमन है तीनों में है दो तो दो तो आएगा लेकिन सबसे कम पावर वाला पिंस केवल दो आएगा दो के पावर एक दो और कोई कॉमन है तीन है सबसे कम तो तीन है तीन आ गया कौन कौन बच्चा समझ गया कॉमन है कहां से आएगा पहले सिखाया है कि कॉमन होगा उसी को लेना है देख रहा है लड़की सबको पांच पूछ रही है पांच लोली कहीं कर पांच और सब समझ आता है लड़की सके बड़ा जल्दी पढ़ाई हाँ वाला बात समझ नहीं आता है लड़की के एक्स्ट्रा बुद्धि भगवान बहुत देते थे समझा कि नहीं हो जाएगा तो बोलेगा वो तो नहीं ले है हम आगे ले चले किच के अब सिखाते कुछ अलग हटके है रिकवा जाते बदमाश करकवा होता है जो बात तय है। अरे? ए, किसी का प्रॉपर नाम नहीं लो हाँ अब हम कुछ और सीखने जा रहे हैं चेला आज थोड़ा सा सीखा एलसीएम और एस निकालना अरे तुम्हारा काम है सीखना सीखा या नहीं सीखा दो या दो से अधिक नंबर देगा एल सी एम एस सी बना देगा अब कुछ और ले जाते हैं कहीं और ले चले बोलो ले चले पहला क्वेश्चन क्या दिए थे याद है किसी को और कितना दिए थे और तीस हवा पंद्रह था चला हाँ ये लड़की बीस बोले वाली के मारेंगे मुंह पर खिंचा जाएगा एकदम हवा बीस था और दो अरे कोई नंबर लिखा गया हो गया हम तो पूछे थे पिटा जाएगी छ पंद्रह था और पंद्रह का अच्छा कुछ लड़का बात कर रहा है बात कर रहा है ना उसको लग गया कि आ गया आ गया अगर हम अभी वहां आ गए थोड़ा तो नहीं आएगा पक्का आ जाए सीखो बार बोलते हैं ना एक अक्षर सीखता है चिल्लाना शुरू कर देता है लोला कहीं सीखो और पंद्रह का क्या बोले एम एब नहीं सिखाने वाले उधर तू सीख गया है। कुछ और बताने वाले सुनना ध्यान से अब काम की बात करते हैं हेलो काम की बात करते हैं दू गो नंबर है नंबर है कि दू गो एगो है छ व एगो है आराम से इधर औ का बोला जाए तो दू गुने पंद्रह को बोला जाए उने? नहीं आया क्या सर ये तो पहले पढ़ाए फिर क्यों इसको लिख रहे हैं? रीजन है आराम रीजन. से सुनेगा तब रीजन सोन में आएगा सर अगर हम एलसीएम आपसे पूछ दें तो कितना बच्चा चिल्लाएगा सब चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा आता है ना कैल्शियम बोल कितना होगा बोलना कि सभी तरह का आता है वो तीनों है पांती पंद्रह दू ना चिल्लाया कि नहीं चिल्लाया रुक जाओ अब एफ बोल एफ बोलेगा यहाँ देखो रे सी एफ कितना होगा चेला सर दीजिए कॉमन होता है वही ना सी एफ होता है तो ये बात तो तू पहले भी सीख गया है ना अरे सीखा कि नहीं सीखा हेलो पीछे वाला ध्यान दो इधर एल सी एम एस सी एफ तो पहले से जानते है सर जी ध्यान सुन रहा है तू लोग यहाँ तो कोई दिक्कत है अब कुछ राज की बात जानो राज की बात क्या है सुनेगा ध्यान से दो नंबर है कौन कौन है अ और तीस और पंद्रह एक नंबर यहाँ एक नंबर यहाँ नंबर है ना ध्यान से एगो नंबर कितना है छो नंबर कितना है पंद्रह अगर मैं इस दोनों को गुना कर दू कितना होगा पंद्रह छ किसी को डाउट बोलेगा ये क्या करवा रहा है ये दोनों नंबर था उसको मल्टीप्लाई कर दिए कितना आया नहीं सुन रहा है तू लोग अब बोले एक बार दोनों नंबर को गुना किया कितना आया अब एक बार दोनों एल्सियम को गुना करो सर एलसीएम तो आया था तीस और एस आया तीन ले दे के कितना अच्छा अच्छा सुनो जब दो नंबर को गुना किया गया दो नंबर को गुना किया गया कितना आया नब्बे आ दो नंबर के एलसीएम से एम गुना किया वो भी नब्बे अभी आएंगे ना दस बीस घंटा मारेगा घंटा खोज के लाओ तो कहीं है क्या थोड़ा निकालिए देंगे अभी तीनों बेंच के पूरा सेकेंड बेंच के पता है कि जब यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है तो चल से ही मारेंगे तो हल्ला कर रहा था आ गया कुत्ता जान मार देंगे डंडे नहीं ऐसे काम खराब हो रहा है समझ गया अगले तो थोड़ा दो तीनों के खाली नहीं आने देंगे याद रखना बोलो मत पिटा जाएगा एक तरफे से मुड खराब कर देता है पागल छागल सब यहाँ तो किसी को दिक्कत था हम बोले कि दो नंबर को गुना किए तो रिजल्ट कितना आया और उसके एलसीएम से वो गुना किए तो रिजल्ट कितना आया नब्बे आया यहां से हम एक रिजल्ट निकाल सकते पता है क्या एक रिजल्ट यह निकाल सकते हैं दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो अपना एल सी एस के गुणनफल के बराबर होता है आया समझ बोले से और अपना अपना घर बोल देना कि जब पढ़ाई होगा ना उस समय कोई नहीं आएगा बुलाने एक घंटा बाद तो अपना अपना घर बोल देना जब हम पढ़ाते रहेंगे तो एल गुने एस क्या बोले क्योंकि तो तू सब तो पढ़ाते वक्त तो मूड खराब करता है तो तीन चार ती गो ना इसको सबसे पहले बेलगाएंगे अब अभी तो पीटेंगे याद रखो अभी लास्ट लास्ट तक तो पीटेंगे समझ गया अभी तो पढ़ाइयों भी स्टॉप कर देंगे तो मूड खराब यहां तो कोई दिक्कत है कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है किसके बराबर होता है दो संख्या गुना किए उतना ही रिजल्ट आया जितना कि दोनों के एलसीएम और एस के गुना किए दो संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है एलसीएम और एस के गुणनफल के तो अगर मैं ये रिजल्ट को लिखूं तो कोई दिक्कत तो आज के बाद याद रखना दो संख्या का गुणनफल दो संख्या का गुणनफल दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो अपने एलसीएम और एस के गुणनफल के बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल अपने एल और एस के गुणनफल के बराबर होता है क्या बोले दो संख्या गुणनफल अपने एल और एस के बराबर होता है। आया कि नहीं आया अगर इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दिया जाए तो बनाएगा चलो एक क्वेश्चन जल्दी से नोट करो लिखो दो, दो संख्या छत्तीस और चौसठ दो संख्या छत्तीस और चौसठ क्या लिखो दो संख्या छत्तीस और चौसठ का एस सी एफ चार है दो संख्या छत्तीस और चौसठ का एस सी एफ चार है तो एलसीएम बताएं दो संख्या है चिला क्या बोले देखो छत्तीस है एगो एफ कितना है उसका क्या बताना है आ जाएगा बोलना दो संख्या दे दिया अलग अलग छत्तीस है तो तुमसे क्या पूछ रहा है कितना आया है देखो देखो जानवर कोई बोला होगा देखो रे सुनो देखो इधर अब दो संख्या छत्तीस और चौसठ एस सी अब कितना है चार ध्यान दो इधर पीछे सर हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या है फॉर्मूला सर कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है ना अपने एलसीएम सी एस के बराबर होता है तो दो को संख्या कौन है एगो छस चौसठ यानी एगो छत्तीस हो गया चौसठ संख्या का जो गुणनफल है किसके बराबर होगा एल और एच के तो एल लिख दिए और क्या लिख दिए एच और एच कितना है अच्छा नहीं आया अरे ऊपर का जो फॉर्मल लिखे वहीं पर न बैठा है ना बैठा है तुमको खाली एल्सियम चाहिए ना एल्सियम को इधर छोड़ दो बराबर छत्तीस गुने चौंसठ तो चार कहाँ गया इधर गुना में है तो इधर कथी में आएगा भाग में चार चौका चौसठ न कर जाएगा और आराम से छत्तीस गुने को कर लेगा वही क्या आ जाएगा आया कि नहीं आया अब रुको एक मिनट सुनो चार को चीज यहाँ हुआ क्या सुनना सर ये जो है कि आप लिखे हैं दो संख्या का गुणनफल क्या बोले हैं तो हो सकता है कभी कभी इस बार क्या हुआ कि दो को संख्या दिया सुन रहा है सब दो को संख्या दिया उसका क्या दिया एच सी एफ तीन को चीज दिया कथी पूछा एल सी एम कल के दिन हो सकता है दो को संख्या दे एलसीएम देके एचसीएफ पूछ दे हो सकता है एलसीएम एस सी एफ दोनों दे दे एगो संख्या दे के एगो संख्या पूछ ले मतलब चार गो में से कोई तीन गो दे के, कोई ए पूछ सकता है तो हम फॉर्मूला पर बैठाएंगे अपने आंसर आ जाएगा नहीं आया कोई जरूरी नहीं कि तुमसे एलसीएम पूछा तो हर जगह क्या पूछेगा एलसीएम ऐसा नहीं है कभी एस सी एफ पूछ देगा कभी कुछ पूछ देगा लेकिन देगा क्या गो तीन गो पक्का आया अब सर कोई बोलेगा कि सर कहीं तीन नंबर दे दे तीन नंबर में ऐसा होगा नहीं ये ओनली करेंगे पता है दो नंबर पर ही सर तीन नंबर पर फेल हो जाएगा ये तीन नंबर क्या हो जाएगा? फेल। अगर रूल तो गलती हो जाएगा जाएगा फेल तो अगर तू लगाएगा गलती केवल दो ही नंबर दो नंबर है ना तब उसमें हो सकता है, है सबके लागू है नहीं सर कै नंबर के लिए टू नंबर के लिए कितने नंबर के लिए दो से ज्यादा नंबर के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा किसी को डाउट है चलो ठीक है